तो ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो लोग यहाँ पे स्टूडेंट हैं, स्टडी कर रहे हैं और स्टडी करते हुए अपने स्मार्टफोन का यूज करके विदाउट केवाईसी, विदाउट इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज की इस वीडियो में आपको एक नहीं दो ऐसे रियल अर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ से आप डेली के हजार रुपए अर्न कर सकते हो और इसके लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की भी नीड नहीं पड़ेगी। तो किस तरह से आप इन एप्लीकेशन पे पैसा कमाओगे, किस तरह से अकाउंट बनाओगे, किस तरह से अपनी अर्निंग को बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करोगे, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं। तो ऐसी अर्निंग से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। और एक्चुअली हम बात कर लेते हैं एक एक करके इन सभी एप्लीकेशन के बारे में। तो हमारे इस लिस्ट में जो फर्स्ट एप्लीकेशन है इसका नाम है जूनियर पॉकेट मनी। इस एप्लीकेशन को मेनली यहाँ पे स्टूडेंट के लिए बनाया गया है क्योंकि इस एप्लीकेशन पे आपको फिजिकल और वर्चुअल दोनों तरह के डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं जिसका यूज करके आप शॉपिंग कर सकते हो, रिचार्ज एंड बिल पेमेंट कर सकते हो और साथ ही आप इस एप्लीकेशन से एटीएम कार्ड ऑर्डर कर सकते हो। उसके अलावा इस एप्लीकेशन पे एटीएम कार्ड ऑर्डर करने के बाद उस कार्ड से कोई पैसा खर्च करते हो तो वहाँ पर आपको अप टू 1.5% का कैशबैक भी मिल जाता है और रेफर करने पर इस एप्लीकेशन पे आपको हर एक रेफरल पे 1000 रुपीज मिलने वाला है। तो किस तरह से आप इस एप्लीकेशन पे पैसा कमाएंगे, किस तरह से अकाउंट बनाएंगे, इसके लिए आपको करना क्या होगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। जूनियर पॉकेट मनी एप्लीकेशन का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करते ही आप प्ले स्टोर पा जाएंगे। प्ले स्टोर पाने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जूनियर पॉकेट मनी एंड पेमेंट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की रेटिंग भी काफी अच्छी है, 4.3 की है। नीचे आपको एप्लीकेशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और इंस्टॉल पे क्लिक करके यहाँ से आप इस एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे एप्लीकेशन आपके फोन में इंस्टॉल हो जाए आपको सिंपली ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद से जूनियर पॉकेट मनी एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली थोड़ी देर वेट करना होगा। देन आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको नीचे इस एरो पे क्लिक करना होगा, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा जिससे अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई करना होगा। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद से यहाँ पर आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल एंटर करनी होगी जैसे कि यहाँ पर आपको एक पिन सेट करना होगा, अपना डेट ऑफ बर्थ, नेम, ईमेल आईडी, सारी चीजें एंटर करनी होगी। और अगर आपकी एज बिलो 18 ईयर्स है और आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप इस एप्लीकेशन पे अपने पेरेंट्स के पैन कार्ड की डिटेल एंटर कर सकते हो क्योंकि इस एप्लीकेशन पे आपको डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है तो यहाँ पर आपको पैन कार्ड अटैच करने की नीड पड़ती है। तो अपने पेरेंट का, अपना खुद का पैन कार्ड दोनों में से किसी का यूज कर सकते हो अकाउंट क्रिएट करने के लिए। तो जैसा आप इस एप्लीकेशन पे सारी डिटेल अपनी एंटर करके, पैन कार्ड डिटेल एंटर करके सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद से एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे टॉप में आपको देखने को मिल जाएगा पैसे ऐड करने का, सेंड करने का, रिसीव करने का ऑप्शन। देन आपको देखने को मिल जाएगा आप इस एप्लीकेशन पे जो यहाँ पे जो कार्ड प्रोवाइड किया था इसे यूज करते हो फ्लिपकार्ट पे, तो यहाँ पर आपको 2.1% का कैशबैक मिल जाता है। नीचे आपका डेबिट कार्ड देखने को मिल जाएगा और व्यू कार्ड पे क्लिक करके इस कार्ड की डिटेल देख सकते हो। और ये जो कार्ड है आपका रुपए कार्ड होने वाला है तो आप इसे ऑर्डर भी कर सकते हो और इसे एटीएम के अंदर यूज करके कैश विड्रॉल भी ले सकते हो, फ्यूल भरवा सकते हो, रेस्टोरेंट में यूज कर सकते हो। देन अगर आप सेम पेज पे स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको वाउचर को बाय करने का ऑप्शन मिल जाएगा। वाउचर बाय करते हो तो यहाँ पर आपको काफी अच्छा खासा कैशबैक देखने मिल जाता है। उसके अलावा नीचे आपको देखने मिल जाएगा जूनियर कार्ड को ऑर्डर करने का ऑप्शन। मैंने ऑलरेडी इस कार्ड को ऑर्डर कर लिया। ऑर्डर करने के बाद से 1 से 2 दिन में जो कार्ड है हमारे घर पर डिलीवर हो गया था और इसके लिए आपको 1 time 99 rupees की फी पे करनी पड़ती है। देन जो कार्ड होगा लाइफ टाइम के लिए आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। और अगर आप रेफरिंग अकाउंट बनाने के वजह से इस कार्ड को अप्लाई करते हो और एक कोड अप्लाई कर देते हो गेट जूनियर का तो यहाँ पर आपको अप टू 1000 rupees तक का कैशबैक भी देखने को मिल जाता है जैसे आप इस कार्ड को यूज कर लेते हो, एक्टिवेट कर लेते हो। तो यानी अगर आप इस एप्लीकेशन पे अकाउंट क्रिएट करने के वजह से जैसे जूनियर कार्ड यहाँ पर ऑर्डर कर लोगे गेट जूनियर कूपन के साथ तो यहाँ पर आपको अप टू 1000 rupees का कैशबैक मिल जाएगा। उसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन नीचे डिटेल में देखने मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पर करना क्या होगा, ऑर्डर नाउ पे क्लिक करके यहाँ से इस कार्ड को ऑर्डर कर लेना होगा। यहाँ से आपकी 1000 rupees की इनकम हो जाती है। देन अगर आप सेम पेज पे स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर अगेन आपको काफी सारे ऑप्शन दिए गए हैं माई जूनियर को अंदर, जैसे कि थीम को चेंज करने का, इस एप्लीकेशन को रेफर करने का और आपके अकाउंट के अंदर पर्टिकुलर क्या ऑफर चल रहा है उसे चेक करने का। और उसके नीचे का ऑप्शन आपको देखने मिल जाएगा चेक इन फॉर 7 days और यहाँ पर आपको 500 rupees का फ्लिपकार्ट को कूपन मिल जाएगा अगर आप इस एप्लीकेशन को कंटिन्यू 7 days तक चेक इन करते हो। चेक इन का मतलब ये होता है कि आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर आपको स्टार्ट पे क्लिक करना होगा। स्टार्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आप इस एप्लीकेशन पे 500 rupees का फ्लिपकार्ट को कूपन ले सकते हो जो कि आपको एप्लीकेशन को 7 days तक कंटिन्यू चेक इन करने में मिलने वाला है। यानी कि इस एप्लीकेशन को डेली आपको ओपन करना होगा 7 days तक और 500 rupees का फ्लिपकार्ट को कूपन फ्री मिल जाएगा। उसके लिए करना क्या होगा, यहाँ पर आपको सिंपली स्क्रॉल करके नीचे आना होगा और यहाँ पर आपको इस तरह से स्वाइप कर देना होगा। स्वाइप करते ही फर्स्ट डे की चेक इन हमारी हो गई है। ऐसे आपको कंटिन्यू 7 days तक चेक इन करना होगा, 500 rupees यहाँ से आपकी फ्री अर्निंग हो जाएगी। उसके अलावा अगर आप बैक आओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इस एप्लीकेशन को रेफर करने का ऑप्शन। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आप इस एप्लीकेशन को
रेफर करके हर एक रेफरल पे अप टू 1000 रुपीज तक की अर्निंग जनरेट कर सकते हो। नीचे आपका रेफरल कोड देखने को मिल जाएगा, लेकिन इस पेज से आपको रेफर करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो किस तरह से रेफर करोगे, तो उसके लिए सिंपली थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। बैक आने के बाद से यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा रिवॉर्ड का, और आपने कितने कूपन विन किए हैं, कितने पैसे आपने विन किए हैं वो मिल जाएगा। स्क्रैच कार्ड पे जैसे क्लिक करोगे आपको देखने को मिल जाएगा हमने 25 रुपीज करके कितने सारे स्क्रैच कार्ड अर्न किए हैं। और यहीं पे आपको एक बॉक्स देखने को मिल जाएगा जो कि आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद से यहाँ पे आपको फिर से तीन ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, माई फ्रेंड का, रेफर एंड अर्न का, ऑफर का। करना क्या होगा, रेफर करने के लिए इन्वाइट पे क्लिक करना होगा। इन्वाइट पे क्लिक करने के बाद से यहाँ से इस एप्लीकेशन को शेयर करने का, रेफर करने का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। और व्यू ऑफर डिटेल पे क्लिक करके रेफरल डिटेल आप अपने अकाउंट के अंदर भी चेक कर सकते हो कि आपको इस एप्लीकेशन पे कितना मिल रहा है। तो करना क्या होगा, इनवाइट एंड अर्न पे क्लिक करना होगा, यहाँ से इस एप्लीकेशन को शेयर करना होगा, रेफर करना होगा जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप करना चाहते हैं। सामने वाला पर्सन जैसे आपका रेफरेंस अकाउंट बना के जूनियर कार्ड को अप्लाई कर लेता है, कार्ड को यूज कर लेता है, तो यहाँ पर आपको अप टू 1000 रुपीज तक की अर्निंग हो जाएगी। तो इस तरह से आप इस एप्लीकेशन पे एडिशनल 1000 रुपीज और अर्न करने वाले हो। रेफरल पे 500 रुपीज आपको चेक इन करने में मिल जाता है, रेफरल पे 1000 रुपीज 1500 रुपीज की आपकी इनिशियल यहाँ पे अर्निंग हो जाएगी। देन आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा वाउचर्स का, वाउचर्स का क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ब्रांड वाउचर मिल जाएंगे, और इन ब्रांड वाउचर पर आपको कितना डिस्काउंट मिलने वाला है इसी पेज पे मिल जाएगा। देन अगर बैक आओगे रिवॉर्ड्स पे क्लिक करोगे तो अगेन यहाँ पर आपको बहुत सारे रिवॉर्ड वाले ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि देख सकते हैं फ्री निंटेंडो स्विच। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, चेक इन नाउ पे क्लिक कर दोगे, तो यहाँ पर आपको ये जो गिफ्ट होगा फ्री में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप इस एप्लीकेशन पे यूपीआई से पैसे ऐड करते हो फर्स्ट टाइम के लिए, तो आपको यहाँ पे 50 रुपीज का और एक्स्ट्रा बोनस देखने को मिल जाएगा। तो पैसे ऐड करने के लिए करना क्या होगा, यानी कि अगर अपने कार्ड के अंदर पैसे ऐड करना चाहते हो, सिंपली टॉप में आना होगा, ऐड मनी पे क्लिक करना होगा। ऐड मनी पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पर आपको अमाउंट एंटर करना होगा। मान लीजिए मैं अपने कार्ड के अंदर 1000 रुपीज ऐड करना चाहता हूँ, सिंपली अमाउंट एंटर कर दूंगा। अमाउंट एंटर करने के बाद से यहाँ पर आपको प्रोमो कोड अप्लाई कर लेना होगा, 50 रुपीज वाला। 50 रुपीज वाला प्रोमो कोड अप्लाई करेंगे, कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद से आपको सिंपली करना क्या होगा, प्रोसीड टू पे पे क्लिक करके गूगल पे, फोन पे, कोई से भी एप्लीकेशन सेलेक्ट करके इस कार्ड के अंदर पैसे ऐड कर लेने होंगे। पैसे ऐड करते ही आपको 50 रुपीज और मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इस एप्लीकेशन पे ट्रिपल अर्निंग कर सकते हो। और यहाँ पे जो आपकी रेफरल के थ्रू अर्निंग होती है, जो यहाँ पे आपको जूनियर कार्ड दिख रहा होगा, यानी कि जो आपका रुपए कार्ड दिख रहा होगा, इसके अंदर ऐड हो जाता है। आप इस कार्ड की डिटेल फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, मिंत्रा पे, कहीं पे भी ऐड कर सकते हो, और यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो ऑनलाइन भी। वर्चुअल कार्ड भी आपका हर जगह काम में आने वाला है। फिजिकल कार्ड का यूज कर सकते हो पैसे विड्रॉ करने के लिए, रेस्टोरेंट में या शॉपिंग करने के लिए। तो इस एप्लीकेशन के बारे में आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब चलिए हम बात करते हैं लिस्ट के सेकंड एप्लीकेशन के बारे में। तो इस एप्लीकेशन का नाम है क्रेडिट कोड। ये एक फाइनेंशियल एप्लीकेशन है, और इस एप्लीकेशन पे आपको लाइफ टाइम अर्निंग होने वाली है कमीशन के फॉर्म में। और यहाँ पे जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट आपको देखने मिल जाएंगे उन्हें सेल करके आप एडिशनल इनकम भी जनरेट कर सकते हो। तो इस एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे, अगेन आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, यहाँ पर आने आपको देखने को मिल जाएगा क्रेडिट कोड योर अर्निंग एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन की भी रेटिंग काफी अच्छी खासी है, और एप्लीकेशन के बारे में सारी डिटेल आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाएगी। तो करना क्या होगा, इस एप्लीकेशन को भी अपने फोन में इंस्टॉल करके ओपन पे क्लिक करना होगा, मोबाइल नंबर एंटर करके, बेसिक डिटेल एंटर करके अपने अकाउंट को क्रिएट कर लेना होगा। अकाउंट क्रिएट करते ही यहाँ पर आपको चेक इन बोनस, साइन अप बोनस इंस्टेंट आपको कॉइन के फॉर्म में देखने मिल जाएगा। देख सकते हैं 200 कॉइन आपको यहाँ पर दिख रही होगी, और ऊपर आपको हमारे अकाउंट के अंदर बैलेंस दिख रहा होगा 1000 रुपीज का, और नीचे आपको देखने मिल जाएगा अपने इस एप्लीकेशन पे कितना शेयर किया है, रेफर किया, कितनी अपने लीड जनरेट करी है। और उसके नीचे आपको देखने मिल जाएगा सेल एंड अर्न का ऑप्शन, जहाँ पर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट देखने मिल जाएंगे, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डीमैट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, म्यूचुअल फंड, क्रेडिट लाइन एप्लीकेशन, ये सारी चीज दी गई है। नीचे थोड़ा सा और आओगे तो यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा इस एप्लीकेशन को डायरेक्ट शेयर करने का, रेफर करने का ऑप्शन। तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा आप इस प्लेटफॉर्म को रेफर करके 10% कमीशन अपने क्लाइंट से, अपने रेफरल फ्रेंड से लाइफ टाइम के लिए अर्न कर सकते हो। यानी अगर आपने इस एप्लीकेशन को 10 लोगों को रेफर किया, और 10 लोगों ने यहाँ पे 100-100 रुपए की या 1000 रुपए की मान लेते हैं इनकम जनरेट करी, टोटल आपकी इनकम हो जाएगी 100000 रुपए की। तो यहाँ पे 100000 रुपए का 10% आपको यहाँ पे 1000 रुपीज ऐसे ही फ्री मिल जाएगा, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी रेफरल। तो इसके लिए करना क्या होगा, इस एप्लीकेशन को यहाँ से शेयर करना होगा। शेयर करने के बाद जैसे आपके फ्रेंड यहाँ पे कोई भी अर्निंग जनरेट करते हैं, 10% कमीशन यहाँ से आप इजिली अर्न करने वाले हैं। शेयर करने के लिए आप यहाँ व्हाट्सएप पे क्लिक कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे क्लिक करके यहाँ से इस एप्लीकेशन को डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर करके एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। बात करें इस एप्लीकेशन पे सेल एंड अर्न के थ्रू किस तरह से आप पैसे कमाने वाले हैं, तो उसके लिए सिंपली आपको बैक आना होगा। बैक आने के बाद से आपको टॉप में आना होगा। मान लीजिए आपके सर्कल में, आपके नोन में किसी को डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है, सिंपली आपको डीमैट अकाउंट पे क्लिक करना होगा। डीमैट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे आपको यहाँ पर डीमैट अकाउंट दिख रहे होंगे, जैसे कि ग्रो है, अपस्टॉक है, पेटीएम मनी है, एंजल वन है, एमस्टॉक है, सेमको है, एचडीएफसी स्काई है, अप्रिशिएट है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा किस डीमैट अकाउंट को आप रेफर करेंगे, तो यहाँ पर आपको कितनी अर्निंग होने वाली है। जैसे कि अपस्टॉक पे 300 रुपीज, पेटीएम मनी पे
300 रुपीज, एंजलॉन पे 250 रुपीज, एम स्टॉक पे 600, सेमको पे 400 रुपीज, HDFC स्काई पे आपको 1150 रुपए की अर्निंग हो रही है और यहाँ पे अप्रिशिएट डीमैट अकाउंट को रेफर करने पे 1000 रुपीज की अर्निंग हो रही है। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे HDFC स्काई डीमैट अकाउंट के बारे में ही। हालांकि आपको नीचे और भी डीमैट अकाउंट मिल जाएंगे जैसे कि आदित्य बिरला, शेयर मार्केट बाई फोन पे और यहाँ पे लेमन, लेकिन हम बात कर लेते हैं HDFC स्काई डीमैट अकाउंट के बारे में। तो जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ से आपकी 1150 रुपीज की अर्निंग होने वाली है अकाउंट ओपनिंग एंड ब्रोकरेज जनरेट करने पे, और यहाँ पे एस्टिमेट अकाउंट को रेफर करने पे आपको 1150 रुपए किस तरह से मिलेंगे। तो इसके लिए करना क्या होगा, यहाँ पर आपको ऊपर हाउ टू अर्न पे क्लिक करना होगा। हाउ टू अर्न पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा अकाउंट ओपनिंग पे आपको 150 रुपीज, और जैसा आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा सामने वाला पर्सन जैसे यहाँ पर ट्रेड कर लेता है, ब्रोकर जनरेट कर देता है, तो आपको बाकी के 1000 रुपीज मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपकी टोटल 1150 रुपए की अर्निंग होने वाली है। अगर आपको ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ब्रोकरेज जनरेट करना नहीं आता है, तो करना क्या होगा, इस केस में आपको सेविंग अकाउंट पे क्लिक करना होगा। सेविंग अकाउंट पे क्लिक करने के बाद से अगेन आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी बैंक देखने मिल जाएंगे जैसे कि जुपिटर है, IDFC फर्स्ट बैंक है, इंडसइंड है, एक्सिस है, नियो है, टाइड है, नियो है, एयरटेल पेमेंट है, और यहाँ पर आपको एक्सिस बैंक सेविंग अकाउंट को रेफर करने पे 600 रुपीज, टाइड को रेफर करने पे 800 रुपीज मिल रहा है। तो यहाँ से आप सेविंग अकाउंट को भी रेफर कर सकते हो, जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट सामने वाला पर्सन जैसे ओपन कर लेगा यहाँ से आपकी अर्निंग और हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि यहाँ पे किस फाइनेंशियल प्रोडक्ट को आप सेल करने वाले हो, रेफर करने वाले हो। रेफर करने को तो आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड को भी रेफर कर सकते हो, जहाँ पर आपको 2000 से लेकर 3000 रुपीज पर कार्ड को रेफर करने में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे कार्ड जो होते हैं इजीली अप्लाई नहीं हो पाते हैं हर किसी का, क्योंकि इसके लिए सिविल स्कोर का होना जरूरी है, और साथ ही जिसे आप रेफर कर रहे हो सैलरीड पर्सन होना चाहिए, तभी उसका कार्ड यहाँ पे इजीली अप्लाई हो पाएगा। यहाँ पर आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी, इस एप्लीकेशन पे आप सेल करके पैसे कमा सकते हो, एप्लीकेशन को डायरेक्ट रेफर करके 10% कमीशन अर्न कर सकते हो, और जो भी आपकी अर्निंग होगी टॉप में आओगे अकाउंट बैलेंस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी आपने कितना कब अर्न किया है और कितने पैसे आपने विड्रॉ कर लिया है, कितना विड्रॉ करने के लिए अभी अवेलेबल है। और यहाँ से अपने पैसे को विड्रॉ करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको रेडमी नाउ पे क्लिक करना होगा। रेडीम नाउ पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा, यूपीआई के थ्रू रिडीम करने का, बैंक अकाउंट के अंदर रिडीम करने का। यूपीआई के थ्रू रिडीम करना चाहते हैं तो अपना फुल नेम एंटर करेंगे, यूपीआई आईडी को री एंटर करेंगे, ओटी वेरीफाई करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे, जो पैसा होगा आपके लिंक बैंक अकाउंट विड्रॉ हो जाएगा। तो इस तरह से इस एप्लीकेशन से अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको इन दोनों एप्लीकेशन के बारे में सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, और ऐसे बहुत सारे अर्निंग एप्लीकेशन हैं जहां से आप डेली के पैसे कमा सकते हो, और उनकी सभी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने मिलती है। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगा, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हो और बहुत सारे पैसे एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हो टेलीग्राम के थ्रू भी। और हम मिलते हैं ऐसे वीडियो साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।